Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 26th of October 2024. I am Nareesh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to have some questions based on the previous day's session and the session was regarding the commemoration of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India and he is also known as the Bismarck of India. So just

हैव नॉलेज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी वेन वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल बॉर्न तो उनका जो बर्थ है वो थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर एटीन सेवनटी फाइव में हुआ था तो इसी थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को हम को मेमोरेट करेंगे नेक्स्ट टू ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट वॉज अनाउंसड बाई दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज अमित शाह नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोफेशन डिड पटेल इनिशियली प्रैक्टिस बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो क्या करते थे तो ही वॉज अ लॉयर सो वो एडवोकेट थे लॉयर थे आने से पहले पॉलिटिक्स में और आप सबको पता होगा कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल द मोस्ट ऑफ ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट स्ट्रगल वर हैव द प्रोफेशन ऑफ लॉ एज ए प्रैक्टिस विच मूवमेंट डिड पटेल लीड इन 1918 एटीन टू सपोर्ट फार्मर्स इन गुजरात सो फार्मर्स में गुजरात जो है गुजरात में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए 1918 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह को क्या किया था सपोर्ट किया था और यही वो सत्याग्रह था जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम मिला सरदार द मीनिंग ऑफ सरदार इज़ लीडर सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ बिच ऑफ द फॉलोइंग किसके इंटीग्रेशन में रोल प्ले किया तो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने में उनको इंडिया में इंटीग्रेट करने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और इसके लिए उनको हमेशा जाना जाता है इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम कोमेमोरेट करते हैं एज अ इंडिया का यूनिटी डे ठीक है नेशनल यूनिटी डे और इसी दिन एक जो है यूनिटी रन भी होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है आ, लास्ट ईयर जो यूनिटी जो है रन थी आ, आई थिंक उसमें हम भी गए थे यूनिटी रन होती है आपकी आ, ये इंडिया गेट पर ठीक है ये जो आपका है वहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पे इसकी एक रनिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कराती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स फोर्सेस के जवान वगैरह बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं विच पोजीशन डिड पटेल होल्ड इन दी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट सो वो होम मिनिस्टर रहे थे जब फर्स्ट कैबिनेट उनकी बनी थी विच आइकॉनिक स्टैचू बॉट बिल्ट इन ऑनर ऑफ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इनकी ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था स्टेचू ऑफ यूनिटी और इसको हम आई होप के वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू भी ये है वॉट वॉज पटेल्स रोल इन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने क्या रोल प्ले किया था तो इन्होंने रोल प्ले किया था लीडर इन गुजरात में तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था तो उसमें इन्होंने गुजरात में बहुत बड़े स्केल पर लोगों को पीपल को मोबलाइज़ किया था और उनको लीड किया था सरदार पटेल वाज क्लोज एसोसिएट विद लीडर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सो ये जो है महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट रहे थे उस टाइम पर सो द क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was वन ऑफ Patel's सिग्निफिकेंट contributions टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो हम स्टेट्स को बहुत एक ही एक एक यूनियन ऑफ इंडिया जो हम देखते हैं उसमें स्टेट्स का इंटीग्रेशन करने में द लार्जेस्ट रोल वॉज़ प्लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल विच ईयर डिट सरदार वल्लभ भाई पटेल away तो कब ये उनकी डेथ हुई थी तो 1948 में इनकी डेथ हो गई थी और day था आपका 15th ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच इज सेलिब्रेटेड ऑन थर्टी फर्स्ट इन अक्टूबर थर्टी फर्स्ट इन इंडिया इन ऑनर ऑफ सरदार पटेल तो इन्हीं के दिन पर हम नेशनल यूनिटी डे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी दिन होती है नेशनल यूनिटी रन भी होती है आपकी डेली में ठीक है तो ये तो गए आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस अब हम आ जाते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पर इंडिया चाइना कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एग्रीमेंट आप सबको पता होगा कि इंडिया और चाइना का जो टसल है वो अराउंड 2017 से चला है और उसमें भी हम और आगे देखेंगे तो 2020 पे जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ उनपे बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं और लगभग हमारी मींस जो बातचीत है वो बहुत ही अच्छे लेवल की नहीं चल रही थी लेकिन न अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कि उस एरिया में जहां हमारे डिस्प्यूट्स हैं वहां पर जो पेट्रोलिंग होगी वो कैसी होगी कोऑर्डिनेटेड होगी मींस दोनों ही साइडेड साइड की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी और उस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी सो so, क्या ऑब्जेक्टिव है इस अग्रीमेंट का इंडिया एंड चाइना इम्प्लीमेंटिंग कॉर्डिनेटेड पेट्रोलिंग मीन्स अभी तक क्या होता था अभी आपको मैप पर दिखाऊँगा कि अभी तक क्या होता था कि वो अपने अपने टाइम पर पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे और कई बार दोनों ही फोर्सेस आगे आ जाती थीं उनका कॉन्फ्रेंटेशन हो जाता था उनका इनकाउंटर होता था एक दूसरे के सामने एनकाउंटर का मीनिंग केवल यह नहीं होता कि बस फायरिंग हो जाए नहीं आमने सामने हो जाना वो भी उनका फेस ऑफ हो जाना था वो भी होता था अब होगा क्या कि वो कंफ्रंटेशन को हम थोड़ा सा रोक पाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दैट इज एल ए सी कहां पर ईस्टर्न लद्दाख में ठीक है डिसंगेजमेंट की टाइमलाइन भी इसमें हमारी फिक्स हुई है कि आने वाले ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर से हम डिसेजमेंट को हम कंप्लीट कर देंगे कहाँ पर डेपसांग और डैमचक वाले रीजन में ये दोनों ही रीजन कहाँ पे हैं ये लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में है समटाइम्स जो, जो जोग्राफ़ी से रिलेट करके ऐसे करंट के प्लेसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये प्लेसेस न्यूज़ में रहे थे ये कहाँ पर हैं अगर आप अभी देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान इसके इस रीजन को अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा ये जो रीजन है यहाँ से अगर आप देखोगे ये सारा रीजन तो अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर बनता है इंडिया इस बाउंड्री को क्लेम करता है कि हमारा जो इंडिया का जो रीजन है वो यहां तक है लेकिन चाइना क्लेम करता है कि वो यहां तक है मीन्स वो अंदर आने की बात करता है हमारे यहां पर तो ये आप अगर मैप यहाँ को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये है आपकी गलवान वैली यहाँ पर हमारे झगड़े हुए थे उनसे 2020 में यहाँ पर है आपकी पैगोंगसा लेक इसको लेकर के भी इशू होता है क्योंकि इस लेक के यहाँ तक ये इस मींस इस लेक का जो कुछ मिड वाला रीजन है इंडिया कहता है कि हमारा जो सेगमेंट है हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है चाइना कहता है कि नहीं आपका यहाँ तक है तो इसको लेकर भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं हाँ ये जो रेड लाइन हमको दिख रही है दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मीन्स अभी फिलहाल के जो कंट्रोल है वो यहाँ पर है एक्चुअल कंट्रोल बाकी दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की इस वाली लाइन पर क्लेम करते हैं इंडिया कहता है कि हमारा रीजन यहाँ तक है चाइना कहता है हमारा रीजन इधर तक है तो इतना सारे एरिया पर डिस्प्यूट है इस एरिया में डिस्प्यूट्स हैं हाँ एक्चुअल सिचुएशन अभी इस रेड लाइन पर बनी हुई है लेकिन हाँ डिस्प्यूट दोनों में चल रहे हैं तो ये रहा आपका करंट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डैपसांग और आपकी डैमचक वाला जो रीजन है है ना उसको आप एक बार देख लीजिए ये रहा आपका डैपसांग वाला रीजन ठीक है डैपसांग वाला रीजन और ये रहा आपका डैमचक वाला रीजन सो अभी क्या हो रखा है कि जब इस रीजन में बहुत सारे हमारे इशूज़ हुए है ना इशूज़ हुए तो इन रीजन को इन रीजन में मीन्स हुआ क्या कि चाइना की तरफ से बहुत सारी फोर्सेस को उन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था अपनी आर्मी को यहाँ पर इन रीजन में बहुत सारी आर्मी उन्होंने डिप्लॉय कर दी थी तो बदले में इंडिया ने भी क्या किया अपनी फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया हजारों की संख्या में यहाँ पर फोर्सेस यहाँ पर आज भी हैं इंडियन आर्मी है आईटीबीपी है, है बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ पर लगे हुए कई सारी बटालियंस को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है दोनों ही साइड से और ऐसी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है कि अगर इन्होंने एक भी फायर किया तो यहाँ से भी जो है एनकाउंटर में जो है फायर होगा तो कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी और कई बार तो जो चीज़ें न्यूज़ में नहीं आती मीडिया में नहीं आती कि इस रीज़न में इंडियन जो फोर्सेस हैं हमारी आर्मी है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी जिसको कहते हैं पी एल ए जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ये जो है दोनों की कई बार यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रीमश हो रखे हैं मींस जो है आ, मैं अगर उसको कहूँ तो क्लोज क्वार्टर बैटल सी क्यू भी यहाँ पर कई बार हो रखा है मीन्स जो हाथा पाई की जिसको कहते हैं स्ट्रीट फाइट टाइप की जो लड़ाई है वो कई बार इस रीजन में हो रखी है हालांकि फायरिंग वगैरह के जो इंसिडेंट हमें यहाँ पर सुनने को अभी नहीं मिले हैं इतना कंट्रोल तो दोनों की फोर्सेस के जो कमांडर्स हैं उन्होंने इस रीजन में बनाए रखा था लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा वो सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से चाइना अपनी फोर्सेस को वापस हटा लेगा इंडिया भी अपनी फोर्सेस को वापस हटा लेगा इसी को कहेंगे हम मिलिट्री डिसंगेजमेंट मीन दोनों ही साइड से अपनी अपनी फोर्सेस को वापस ले जाएंगे मींस अब इतने टाइम से हमारी जो मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही थी उनसे इतना इम्पैक्ट आया है कि दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर हम अपनी अपनी फोर्सेस को यहाँ से डिसंगेज कर लेंगे तो उसके बाद ऐसा कोई कंट्री नहीं करेगा कि फोर्सेस के जाने के बाद चुपके से अपनी फोर्सेस को वहाँ पर भेज दे और उस रीजन पे कंट्रोल कर ले या उस पर अपना कब्जा कर ले ठीक है तो ऐसा नहीं होगा तो इतना तो कम से कम यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो बन गया है ठीक है अब यहाँ पर जब ये जो फोर्सेस हैं वो डिसंगेज कर जाएंगे तो उसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 2020 के बाद से वहाँ पे पेट्रोलिंग रुक ही गई प्रॉपर क्योंकि एक दूसरे ने दूसरे की फोर्सेस को रोक रखा था इंडियन आर्मी ने चाइना वालों को बिल्कुल रोक रखा था कि आप इस एरिया में पेट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ एरिया में चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन आर्मी को रोक रखा था कि आप इस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे एरिया कवर्ड की अगर हम बात करें तो वही दो रीजन है डेपसांग और डैमचौक जो अभी एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें दोनों ही रीजन की बात है चाइनीज पेट्रोल्स विल कंटिन्यू इन यांग से अरुणाचल प्रदेश विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ वाले साइड के एरिया हैं जहाँ पहले पेट्रोलिंग चाइना करता था वहाँ पर यह भी करेगा हाँ जहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग पहले होती थी वहाँ हम भी करेंगे केवल जो डिस्प्यूट वाले रीजन थे डैपसांग और डैमचौक ये वाला मामला हमने एग्रीमेंट में सॉल्व किया है रिटर्न टू प्री 2020 मींस 2020 के बाद हमारी सिचुएशन चेंज हुई अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि वो अरेंजमेंट हम करेंगे कि हमारी जो सिचुएशन है अप्रैल 2020 से पहले थी दोनों ही कंट्री उसी सिचुएशन में पहुंच जाएं और वहीं से बातें फिर जो है स्टार्ट होंगी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म अब ऐसा करने के लिए दोनों ही कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं उनमें क्या बनेगी कोऑर्डिनेशन होगा दोनों ही फोर्सेस के जो कमांडर्स हैं उनकी कंटिन्यूस मीटिंग होगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सी बी एम एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहेंगी कंटिन्यूस मीटिंग्स वगैरह होती रहेंगी पेट्रोल्स विल बी ऑर्गनाइज टू अवॉयड डायरेक्ट एनकाउंटर्स विद रेगुलर इंट्रैक्शंस प्लान बिटवीन बोथ साइज टू मेनटेन पीस मीन्स ऐसा नहीं होगा अचानक से यहाँ से सेवन ए एम पर हमारी टीम निकली पेट्रोलिंग के लिए और हमको पता ही नहीं है कि उधर से भी लोग आ रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए तो आमना सामना हो जाता है इनकाउंटर हो जाता है अब क्या होगा जब हमारी टीम सेवन ओ निकलेगी तो उन, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमारी टीम यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए निकली है उस एरिया में तो उनकी भी टीम आएगी सबको पता रहेगा कि इस एरिया में हम पेट्रोलिंग करने के लिए आए हैं ना कि किसी पर हम कोई अटैक करने के लिए आए नो चेंज इन अदर एरियाज अभी जो एग्रीमेंट जो बात कर रहा है वो केवल उन्हीं सिचुएशन की बात कर रहा है जहां से सिचुएशन चेंज हुई थी जैसे कि डैपसंग और डैमचक फ्यूचर डिस्कशन अब यहां से इतना तो स्टैब्लिश हो गया है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर बोथ साइड फोर्सेस उनके साथ जो है डिस्कशंस होते रहेंगे और डीएसकलेशन के लिए हम एफर्ट्स करते रहेंगे कि वहाँ पर हमारे जो एफर्ट्स हैं वहाँ पर लड़ाई जैसी जो सिचुएशन है वॉर जैसी बैटल जैसी सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल में कर सकें विंटर का इम्पैक्ट क्या होगा इससे अच्छी बात यह होगी कि दोनों साइड की जो फोर्सेज हैं वो वापस चली जाएंगी अपने अपने रीजन में क्यों इस रीजन में जो इंडियन आर्मी है या चाइनीज़ जो पी है दोनों को ही इस बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में वहाँ पर रुकना पड़ता है सर्दियों में सर्दियाँ यहाँ पर इतनी टफ़ होती हैं इतनी हार्श होती हैं कि एवरी ईयर मल्टीपल ऑफ सोल्जर्स उनकी डेथ होती है एवरी ईयर क्यों वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अब अगर दोनों ही कंट्री एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो उनके जवानों को वहाँ पर मरना नहीं पड़ेगा उनकी डेथ नहीं होंगी जैसे ही सर्दियाँ वापस जाएंगी तो उसके बाद फिर से वापस आकर के अपने अपने एरिया को चेक कर लो देख लो कि भाई किसी ने किसी पे कोई कब्जा तो नहीं किया है तो अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एक दूसरे में तो फिर ये वाली सिचुएशन एक कॉमन जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए भी क्या होती है बेनिफिशियल होती है मोदीज़ डिस्कशन विद जर्मन चांसलर ऑन ग्लोबल सो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जर्मन के जो चांसलर हैं स्कोल्स ठीक है वो इंडिया आए थे और इनसे हमारी बातचीत हुई है तो जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनके साथ में डिस्कशन किया है मीटिंग की ओवरव्यू की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी एंड जर्नल चांस जो है जर्मन के चांसलर हैं ओला ओलफ स्कॉल्स उन्होंने डिस्कशन किया है यूक्रेन पर और ग़ा पर दोनों ही रीजन पर डिस्कस किया इंडिया ने अपना क्या स्टैंड यहां पर डिस्कस किया है तो देखो मोदी जी ने यहां पर अपना एम्फोसिस किया है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन इट मीन्स इंडिया कहीं भी वॉर नहीं चाहता और इंडिया का हमेशा कमिटमेंट है हेल्पिंग री स्टोर पीस इन बोथ रीजन्स और हम दोनों ही रीजन में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ऑल साइड से एफर्ट्स करने को तैयार हैं डिस्कशन के कंटेक्स की अगर हम बात करें तो ये सेवन्थ इंटी गवर्नमेंटल कंसल्टेसन्स था मीन्स हमारी मीटिंग्स जो है जर्मनी के साथ में चलती रहती हैं तो वही एक रूटीन मीटिंग हमारे साथ में थी इंडिया और जर्मनी की हम सबको पता है कि इंडिया कि जो पीएम है अभी ब्रिक्स की समिट से कौन सी समिट थी सिक्सटीन समिट में वहां से वापस आए हैं और उस समिट में इंडिया ने हमेशा एम्पोसाइज किया कि यूक्रेन में पीस स्टेब्लिश हो बिकॉज रशिया में मीटिंग थी इसलिए अपडेट्स शेयर कुछ चीज़ों पर अपडेट भी शेयर किए स्कूल्स मोदी ब्रीफ्ड स्कॉल्स ऑन हिज रीसेंट डिस्कशंस विद कि भाई देखो हमारी जो है व्लादिमिर पुतिन से क्या बात हुई है जेलेंसकी से हमारी क्या बात हुई है क्योंकि दोनों से ही इंडियन पीएम की मीटिंग पहले हो रखी है तो दोनों को बताया जो है जर्मन चांसलर के साथ में उन्होंने डिस्कस किया क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी जो है नेटो का मेम्बर है है ना और वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है और मैं तो कहूं कि कई मामलों में डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है किसको यूक्रेन को सो so फिर वहां पर उनके साथ में इतना डिस्कशन तो बनता है इंडियाज पोजीशन इंडिया की पोजीशन क्या है इंडिया की पोजीशन है कि इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल वो जमाना गया कि इंडिया न्यूट्रल बैठ करके देखता रहता था कि भाई ना तो हमको पार्टी ए से कोई मतलब है ना पार्टी बी से मतलब है बट इंडिया न्यूट्रल नहीं है लेकिन कमिटेड टू प्रमोटिंग पीस इट मीन्स हाँ हम साइड्स लेंगे साइड किसकी लेंगे पीस की लेंगे और वो हम सारे एफर्ट्स करेंगे कि वर्ल्ड में कैसे पीस इस्टेब्लिश हो मीन्स इंडिया तब एक ग्लोबल प्लेयर नहीं था अगर हम आज से टेन टेन फिफ्टीन ईयरस की हम बात करें उस बैक टाइम में तो इंडिया का स्टेटस वो नहीं था लेकिन आज इंडिया का जो स्टेटस है वो कैसा है ग्लोबल लीडर का है इट मींस आज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ये डिमांड करते हैं इंडिया से कि इंडिया इंटरवीन करे तो इसराइल और हमास का युद्ध रुक सकता है इंडिया इंटरवीन करें तो रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ठीक है सो इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है एंगेजमेंट विद्लेयर्स और इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज विद मेजर एक्टर्स इन्वाल्व इन द कंफ्लिक्ट हाईलाइटिंग इट्स प्रोएक्टिव अप्रोच टू डिप्लोमेसी मीन्स इंडिया उन सारे के सारे कंट्रीज के साथ में हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आज भी चल रहे हैं जो इन वर्ल्ड के किसी भी कन्फ्लिक्ट में रोल प्ले करते हों चाहे वो वेस्ट एशिया का कन्फ्लिक्ट हो चाहे वो होतीस का कन्फ्लिक्ट हो चाहे वो ईरान और जो है इसराइल का इशू हो या इसराइल और हमस का इशू हो गाज़ा वाली प्रॉब्लम हो यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम हो है ना या कनाडा में कुछ जो है हमारे खालिस्तान से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हो वो हों या साउथ चाइना सी की इश्यूज हों या इंडियन ओशियन के प्रॉब्लम्स हों इंडिया का सब जगह पर एंगेजमेंट है और इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल पीस के लिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ वी ट्रीटमेंट इन टेम्पल्स आप एक बार इस, इक, इस इमेज को देखिए यहाँ पर देखिए कि कितने सारे लोग जो है क्यू में खड़े हुए हैं ताकि ये जाकर के मंदिर में दर्शन कर सकें ऐसी ही सिचुएशन हमारे को डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे मिलती है स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर जो पीपल हैं वो बड़ी संख्या में जाते हो अब वो रिलीजन कोई भी हो ऐसी ही सिचुएशन हमें सब जगह देखने को मिलती है प्रॉब्लम क्या है अब कई जगह पर एक कल्चर चल गया है जिसको कहते हैं वीआईपी एंट्री आप जो है बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है उन रिलीजियस प्लेसेस पर बहुत बड़ी एक लाइन लगी होगी आप वहाँ जाकर एक उसकी टिकट ले लो वीआईपी टिकट तो आप उस भीड़ से बच जाएंगे सीधा जाकर के अंदर मंदिर में दर्शन कर लेंगे इट मीन्स अब यहाँ पर बात क्या हुई है कि इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट विल रिव्यू अ पिटीशन सीकिंग टू द एलिमिनेट वीआईपी एंट्री इट मींस भगवान के सामने गॉड के सामने अल्लाह के सामने सबको कैसे होने चाहिए इक्वल लेकिन वो क्या रहा है कि अगर हम मंदिर में भी जा रहे हैं मस्जिद में जा रहे हैं गुरुद्वारे या जहाँ कहीं भी हम जाना चाह रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ है तो उस रिलीजियस प्लेस के जो मैनेजमेंट कमेटी है या उसके मैनेजर्स हैं या केयर टेकरस हैं वो क्या कर रहे हैं एक सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारे प्लेसेस पर कि आप जाइए और आपको उस बहुत बड़ी लाइन में एंट लगना नहीं पड़ेगा आप साइड से मिल जाएगी आपको एंट्री तुरंत दस मिनट में दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे जो कॉमन पीपल हैं वो हो सकता है दो दो तीन तीन दिन तक उस लाइन में रहते हैं आप साउथ में जाइए जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी वगैरह उधर अगर आप मेहंदीपुर बालाजी नहीं आप जो है जो साउथ के एक टेंपल क्या बहुत सारे टेंपल्स में आप जाइए और इवन आप नॉर्थ के भी टेंपल्स में चले जाइए वहां पर आपको बहुत लंबी लंबी लाइन मिलेंगी मींस ऐसे लाइन जा रही होगी फिर वो घूम करके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है ना और इसमें सब में पीपल खड़े होंगे अपना नंबर का वेट कर रहे होंगे अब अब आप एक बात सोचो कि वहां पर उस लाइन में बच्चे भी होंगे लेडीज़ भी होंगी सीनियर सिटीजन भी होंगे तो वो वहाँ पर खड़े रहेंगे और अब वहाँ पर उस रिलीजियस प्लेस पर उसको एंट्री मिलेगी कि उसकी पॉकेट कितनी डेप्थ रखती है कि पॉकेट में कितना उनके में मनी है तो मींस अब आप उस रिलीजियस प्लेस के अंदर जाने के लिए डिपेंड होगा कि आपके पॉकेट में मनी कितनी है तो इट मींस गॉड के प्रति आपका समर्पण कितना है गॉड के साथ में आपका कैसा रिलेशन है आप कितने बड़े भक्त हैं आप कितने अच्छे आदमी हैं है ना आप भक्ति करते हैं नहीं करते हैं आप बहुत पूजा पाठ प्रार्थना नमाज ये करते हैं नहीं करते हैं वो सब बात हाट साइड में गया अब डिपेंड इस बात पर कर रहा है कि आपकी पॉकेट में मनी कितना है आपके पास ज़्यादा पैसा है आप तुरंत अंदर एंटर कर जाएंगे पैसा नहीं है आप कितनी बड़े भी भक्त बने रहो आपको एंट्री नहीं मिलेगी दो दिन बाद या दस घंटे लाइन में वेट करने के बाद मिलेगी तो अब यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये मैं क्या उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो राइट टू वर्शिप है वो तो इससे हार्म हो रहा है क्यों क्यों हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं भगवान के दर्शन करना लेकिन हमको तो करने ही नहीं दिया जा रहा है क्यों जो लोग पैसे ज्यादा दे रहे हैं वो आएंगे अपना दर्शन करके जाते रहेंगे बाकी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो लगे ही रहेंगे क्योंकि पैसा दे करके जाएंगे सो so, वीआईपी एक पॉइंट उन्होंने और रखा अपने उस पेटिशन में कि वीआईपी को कहीं पर भी किसी लीगली डिफाइन ही नहीं किया गया है कि कौन वीआईपी है लेकिन हाँ इंडिया में आप देखो वीआईपी वीआईपी चल रहा है और उस पर कोई लॉ तो बनाओ आप कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं है तो वीआईपी तो वो हो गया जिसने ज़्यादा पैसे दिए वो वीआईपी हो गया तो इस चीज़ को कर दिया गया है चैलेंज ठीक है अब हो क्या रहा है कि इसकी वजह से वीआईपी कल्चर डेवलप हो रहा है लोगों के जो राइट्स हैं दिस प्रैक्टिस वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वलिटी डिग्निटी एंड द राइट टू बर्शिप फ्रीली मीन्स फिर आप वहाँ पर जब उस रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं तो इक्वल तो नहीं रहे जिसके पास ज्यादा पैसा वो मीन्स बहुत अच्छे से दर्शन करेगा डिग्निटी फिर कहाँ रही किसी की बहुत मीन्स एक बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम्स में गर्मी में ठंड में खड़े हुए हैं लाइन में राइट टू बर्शिप फिर हमारा अफेक्ट हो गया क्यों सोचो आप ऐसा सोचिए आप ये एक क्यू बना हुआ है यहां पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं ठीक है अब ये पर्सन यहां पे लगा हुआ है सुबह से लगा हुआ था जल्दी आकर के और ये सोच रहा था कि भाई मेरा नंबर आएगा अभी और अब मैं अंतर एंटर करूंगा साइड से कोई पर्सन आता है क्योंकि इसने क्या किया है इसने दस रुपये वाला हो सकता है पास अपना लिया हो या वहाँ पर फीस ना हो ये कोई साइड से दूसरा पर्सन आएगा वहाँ पर पाँच सौ रुपये देगा उस मैनेजमेंट वाले किसी बंदे को सीधा एंटर कर जाएगा ये सुबह यहाँ चार बजे आकर के खड़ा हुआ है फोर एम ये भैया जो है सात बजे आया सेवन ए एम आया डायरेक्ट एंट्री कर गया तो इसका राइट तो अफेक्ट हो गया क्योंकि इस बंदे ने पैसे के दम पर अंदर एंट्री ले ली प्लस इसकी बेजती भी तो हो गई क्यों क्योंकि पैसे के दम पर इसने एंट्री ले ली इसने तो इसकी तो कोई डिग्निटी नहीं रही कि ये सुबह चार बजे आकर के लाइन में लगा हुआ था कोई मतलब नहीं रहा इक्वेलिटी भी नहीं रह गई इट मीनस यहाँ देखने से ये लगता है आप सोसाइटी में कई बार देखोगे कि जो भक्ति है है ना भगवान के साथ में जो हमारा रिलेशन है उसमें पैसा भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है कॉल फॉर इक्वालिटी तो इस पिटिशन में कहा गया है कि इक्वालिटी स्टैब्लिश की जाए मिलोड और इसमें जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोका जाए गवर्नमेंट को भी इसमें रिस्पॉन्डेंट बनाया है यूनियन गवर्नमेंट को भी और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं जहाँ जहाँ पर टेम्पल्स रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उन पर इनको रिस्पॉन्डेंट बनाया है कि आप इस व्यवस्था को करो अभी रिसेंटली महाकाल टेम्पल उज्जैन की बात हो रही है वहाँ पर कोई एक पर्सन थे उनका नाम नहीं लूँगा ठीक है और किसी मंत्री के बेटे वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर गए जबकि उसमें जाना अलाउ नहीं है बहुत सारे लोगों को लेकिन वो गए दर्शन करके अपना बाहर निकल के आ गए तो अब उस पर भी उनकी कंप्लेंट हुई कंसर्न अबाउट ग्रोथ ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके का कल्चर चलता रहा तो अभी जैसे रिसेंटली हमारे पास में राम मंदिर जो बना गया अयोध्या में उसमें भी आप भी, आई भी कल्चर लगा दोगे फिर जो कॉमन पीपल है उसकी क्या वैल्यू रह गई सो so, इसमें क्या कहा गया है पिटिशन में ये कहा गया है इन्होंने अपना एक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया है बाकी आप भी बताइए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस जो है वी कल्चर का कि भगवान के सामने भी अब कॉमन मैन और पैसे वाला वो है वो डिफ़रेंट हो गए अब है ना तो so, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं ये कहते हैं कि भाई आप क्या करो एक नेशनल लेवल पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो जो इन सारी चीज़ों पर प्रॉपर स्टडी करे और उस पर कोई लॉ आए या कोई उसका प्रॉपर रेगुलेशन हो सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस का एक वी कल्चर जिससे कि उसको हम रेगुलेट कर सकें उसको कंट्रोल कर सकें अदरवाइज़ कॉमन मैन भगवान तक नहीं पहुँच पाएगा गॉड अल्लाह जो भी आप किसी को मानते हैं वहाँ तक फिर वो नहीं पहुँच पाएगा और उसकी फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि भगवान भी वी कैटेगरी में आ जाएंगे कि उनको जल्दी मिलेंगे और बाकी को नहीं मिलेंगे तो फिर बात सीधी सी वही हो गई कि पैसा डिफाइन करेगा कि आपके साथ में भगवान के रिलेशन कैसे हैं तो इस पर एक रेगुलेशन होना चाहिए बाकी आपके पास में भी कोई आइडिया हो सकते हैं कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर वहाँ पर इस तरीके की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम उसको कैसे रेगुलेट कर पाएंगे और इस वीआईपी कल्चर को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे तो आपके पास कोई आइडिया है तो आप बताइए चलिए तो इसको फिनिश करते हैं आज के सेशन को कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और नेक्स्ट इश्यूज के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर